स्टुअर्ट वॉल्टन, जिन्होंने 150 मिलियन डॉलर्स के एसेट अंडर मैनेजमेंट को 118% पे लगातार 8 साल बढ़ाया। स्टुअर्ट पहले कार्टूनिस्ट बनना चाहते थे, बट उन्होंने देखा ये फील्ड में ज्यादा इनकम का स्कोप नहीं है, इसलिए उन्होंने जर्नलिज्म करने का सोचा। बट किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिलने की वजह से उन्होंने उनके पापा के एडवाइस पे, जो था कि हॉबी और करियर के बीच में एक डिफरेंस होता है, उन्होंने एमबीए परस्यू करा। एमबीए परस्यू करने के बाद उनने फर्स्ट जॉब की, सेकेंड जॉब की, और इवेंचुअली वो दिन आया जहाँ पे उन्होंने अपनी फर्स्ट ट्रेड ली। उनकी गर्लफ्रेंड जो लिस कैल्विन कंपनी में काम करती थी, उन्हीं के कहने पे उन्होंने अपने फादर से $10,000 का लोन लेके लिस कैल्विन कंपनी में इन्वेस्ट किया। बिगनर्स लक चमका और उनने उसमें पैसे कमाए, पर कभी ना कभी तो वो फेड होना ही था और इवेंचुअली उन्होंने सारे पैसे ऑलमोस्ट गवा दिए। उसके बाद वो हर तरीके के टिप्स एंड रूमर्स में विश्वास करने लग गए और उन्हें लगभग 5 साल भी लग गए अपने पापा को वो पैसे लौटाते हुए। उन्होंने बॉन्ड मार्केट में भी काम किया, जहां उन्हें ये सीखने मिला कि बिग पोजीशंस क्रिएट कैसे होती है और उसे हैंडल कैसे करते हैं। वो और उनकी पत्नी जॉब छोड़ के सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हुए, जहां पे उन्होंने डाउन पेमेंट पे विदाउट जॉब भी एक घर ले लिया, ये सोच के कि उन्हें कोई ना कोई बड़ी कंपनी में तो जल्द ही नौकरी लग जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं और उन्हें 6 महीने लग गए एक सेल्स की जॉब मिलने में, जिसमें वो एक भी अकाउंट ऐड नहीं कर पाए। पूरी तरह से निराश, डिप्रेस स्टुअर्ट समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें, पर उन्हें ये जरूर समझा कि ट्रेडिंग और सेलिंग में डिफरेंस है और उन्हें ये समझा कि उन्हें ट्रेडिंग ही करनी है। इसलिए जो घर उन्होंने लिया था उसके अगेंस्ट उन्होंने एक लोन लिया और उसी अमाउंट से वो ट्रेड करने लग गए। ट्रेड करने का तरीका वही पुराना, जहाँ पे वो अच्छी कंपनियों को बेच रहे थे और बुरी कंपनियों को खरीद रहे थे। और फिर होना क्या था दोस्तों, वही होना था कि कुछ समय में ही उनने 75% ये अमाउंट का भी लॉस कर दिया। ये उनका सबसे लोएस्ट पॉइंट था। फिर उन्हीं के एक कली की टिप पे पूरी तरह से डिप्रेस होने के बाद उन्होंने इन्वेस्ट करने का सोचा। इस बार लक उनके फेवर में था और एटलीस्ट उनने वो अमाउंट रिकवर कर ली, पर उन्हें इस बात से ये क्लैरिटी आई कि उन्हें कोई मेथड ढूंढना पड़ेगा जिसके थ्रू वो अच्छे स्टॉक्स फाइंड कर सके। गुड कंपनी पाने के लिए उनने ब्लेस्ड स्टॉक का एक कॉन्सेप्ट बनाया, जहां पे उनने देखा कि कुछ कंपनियां ऊपर जा रही है और उनने ये ऑब्जर्व किया कि मार्केट कुछ स्टॉक को हमेशा प्रिफर करता था और कुछ स्टॉक्स को नहीं। तो वो ये देखने लग गए कि जो स्टॉक कंटिन्यूस ऊपर जा रहे हैं उसमें ऐसी क्या चीजें हैं जो लगातार उन्हें ऊपर लेके जा रही है, और वो इस विचार में पड़ गए कि इसके थ्रू वो क्या मेथड बना सकते हैं जिसके थ्रू वो अच्छे स्टॉक्स पिक कर सके। तो वो आए ब्लेस्ड स्टॉक के कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें 4 चीज़ें वो हमेशा नोटिस करते थे। 25% वो फोकस करते थे फंडामेंटल्स पे, जहाँ पे वो कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस देखते थे। बाकी 25% में वो टेक्निकल्स देखते थे कि फंडामेंटल से टेक्निकल्स, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा था कि नहीं। बाकी 25% में वो देखते थे कि न्यूज़ के साथ ये स्टॉक कैसा रिएक्ट कर रहा है इसके प्राइस वेरिएशन में। और लास्ट 25% उनकी गट फीलिंग होती थी, उनका एक्सपीरियंस होता था जो उनने गेन किया है मार्केट से। ये करने से उन्हें मार्केट में धीरे धीरे सक्सेस मिलने लग गई और उन्हें ये समझा कि रूल्स और डिसिप्लिन के थ्रू ही ये मार्केट में कुछ अचीव किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने सेलिंग के लिए भी स्टॉक्स के लिए स्पेसिफिक रूल्स बनाए, जहाँ पे वो कोई भी स्टॉक बेच देते थे अगर वो बहुत जल्दी बहुत ऊपर चला जाता तो। उसी तरह अगर धीरे धीरे स्टॉक नीचे आ रहा होता और उनका प्रॉफिट खा रहा होता तो वहाँ पे भी वो निकल जाते, या तो जो उनने कमाया है पूरी तरह से निल हो गया है तो भी वो निकल जाते थे, और लास्ट जब उनको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती तो भी वो निकल जाते। स्ट्रैटेजी के मामले में स्टुअर्ट 2 ही चीज़ों पर फोकस करते थे। एक था मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग, जहाँ पे वो ट्रेंड्स और न्यूज़ के सहारे वो स्टॉक में घुसते,
पर निकलते थे। दूसरा तरीका था वैल्यू, जहाँ पे वो बिजनेस देख के वो बिजनेस सस्ता मिल रहा है कि महंगा, उसके थ्रू कंपनी में एग्जिट और एंट्री लेते थे। वो मानते थे कि कोई भी स्टॉक जब 40 का दिख रहा हो और लेने से पहले ही 42 चढ़ जाए और उससे पहले ही 50 चढ़ जाए, इसका मतलब वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो एक बहुत अच्छा शेयर है। लूजिंग स्ट्रिक को मेंटेन करने के लिए स्टुअर्ट मानते थे कि अपनी क्वांटिटी छोटी करते जाओ जब तक आपको कॉन्फिडेंस फिर से ना मिले। वो मानते थे यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस ही आपको बचाया जा सकता है, और देना है तो पूरी तरह से कमिट करो वरना करो ही मत। इसी तरह स्टुअर्ट वॉल्टन जो एक ऑर्डिनरी मैन थे, इस तरह मैनेजर बने 150 मिलियन डॉलर्स के। ये थे इनकी कहानी, और जो दोस्त अभी तक रुके हुए थे उनके लिए एक बोनस रूल्स की क्लिप भी मैं ऐड कर रहा हूँ जिसके थ्रू आप और सीख सको। थैंक यू दोस्तों, अगर ऐसा ही कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।